विधानसभा उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद रविवार को बीजेपी कार्यालय में संगठन पर्व 2024 सक्रियता सदस्यता एवं संगठनात्मक चुनाव की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस बैठक में पहुंची और नव निर्वाचित विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, आज प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर संगठन पर्व 2024 सक्रियता सदस्यता एवं संगठनात्मक चुनाव की बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर देवतुल्य जनता द्वारा चुने गए नव निर्वाचित पांचों विधायकों का सम्मान कर उन्हें विजय की शुभकामनाएं दी। राजे ने अपने इस पोस्ट में #BJP4Rajasthan, #BJP4India, #JJRajasthan डाला। जय जय राजस्थान पूर्व सीएम की पंचलाइन भी कही जाती है। इसके अलावा पूर्व सीएम ने एक और पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बैठक की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, संगठन पर्व 2024 सक्रियता सदस्यता एवं संगठनात्मक चुनाव बैठक। प्रदेश भाजपा कार्यालय, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक में पहुंची तो लेकिन वो जल्द ही मुलाकात कर वापस भी चली गई। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी कार्यालय में महज 10 मिनट ही रही और अब इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है। दरअसल दो दिन पहले ही महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण में पहुंची पूर्व सीएम ने अपने कुछ पोस्ट से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि बादल कुछ देर तो सूरज को अदृश्य कर सकते हैं, पर सूर्य की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं। दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आज महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर होते हैं। महाराणा कभी ऐसा नहीं करते थे और निहत्थे पर वार करने की बजाय वो अपने साथ दो तलवारें रखते थे, एक अपने लिए और एक निहत्थे को देने के लिए। तीसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, महाराणा प्रताप के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि समय का चक्र पहिए की तरह घूमता है। महलों में मखमल पर सोने वाले राजाओं को भी जंगल में कांटों पर सोना पड़ता है। महाराणा का जीवन दर्शन हमें यही सिखाता है। महाराणा का सिद्धांत था, अत्यंत विकट परिस्थिति में भी जो हार नहीं मानते उन्हीं की जीत होती है। जो सुख में अति प्रसन्न और संकट में डर कर झुक जाते हैं उन्हें ना तो सफलता मिलती है और ना ही इतिहास उन्हें याद रखता है। उनका आखिरी पोस्ट कुछ यूं रहा कि महाराणा का जीवन हमें बताता है कि सांप से कितना ही प्रेम कर लो, वह अपने स्वभाव के अनुरूप कभी ना कभी तो आप पर जहर उगलेगा ही। सर कटा लो लेकिन दुश्मन के सामने कभी सर मत झुकाओ। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक जागते रहो। आपको बता दें कि प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे जिनमें बीजेपी के खाते की एक सीट थी, लेकिन बीजेपी ने इस उपचुनाव में न केवल अपनी सीट सलूम्बर को बचाया बल्कि कांग्रेस के खाते की 3 तो वहीं हनुमान बेनीवाल के गढ़ में सेंध लगाते हुए खींवसर की सीट पर भी अपना कब्जा जमा लिया। यानी बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर अपना परचम लहराया, जो कि बीजेपी के लिए पिछले उपचुनावों में हार के मिथक को तोड़ने वाला भी रहा।